तो एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों और ढेर सारी अपडेट्स के बीच आईपीएल के मिनी ऑक्शन से जुड़े हुए भी कुछ बड़े अपडेट्स और बड़े र्यूमर्स मैदान में इस समय थोड़े बहुत सर्कुलेट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो के जरिए तमाम र्यूमर्स और अपडेट्स को आपके साथ थोड़ा सा साझा किया जाए और थोड़ा सा उसका एनालिसिस करते हुए आपको जानकारी दी जाए, क्योंकि अब तक तीन टीमें अपने कोचिंग सेटअप में बड़े बदलाव कर चुकी हैं। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आपको मिनी ऑक्शन से पहले टीम्स के कैप्टेंसी में भी बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे। तो सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात होने वाली है। कुछ रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों के बारे में भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे बड़ा र्यूमर जो कि इस समय आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन और ट्रेड विंडो से पहले थोड़ा सर्कुलेट कर रहा है, वो आया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे से। एंडी फ्लावर जैसे एक भारी भरकम कोच को अपना नया हेड कोच बनाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने सपोर्ट स्टाफ में एक और बहुत बड़ा एडिशन कर सकती है। एंड दे मे अपॉइंट रिकी पोंटिंग एज देयर न्यू डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट इफ दिल्ली कैपिटल्स रिलीजेस हिम बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ 2024। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स जो कि ऑलरेडी अपने सपोर्ट स्टाफ से शेन वॉटसन और अजीत अगरकर को अलग कर चुके हैं, अजीत अगरकर ऑब्वियसली टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं और शेन वॉटसन ने भी दूरी अपनी बना ली दिल्ली कैपिटल्स से और उनको भी रिलीज कर दिया गया फ्रॉम हिज कोचिंग ड्यूटीज। और अब मार्केट में यह र्यूमर सर्कुलेट कर रहा है कि रिकी पोंटिंग भी दिल्ली कैपिटल्स का जो दामन है उसको थोड़ा सा छोड़ सकते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के यहां पर वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका में आपको नजर आ सकते हैं और ये डेवलपमेंट बहुत ही जल्द हो सकता है। अब आई विल बी वेरी क्लियर कि मैं इस मामले की पुष्टि नहीं कर सकता, जो र्यूमर्स लेकिन आ रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स और रिकी पोंटिंग दोनों ही अपने भविष्य को लेकर के सोच रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स आपको याद होगा जब श्रेयस अय्यर वहां पर कप्तान थे तो रिकी पोंटिंग के वो बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करते थे। जब सैयद ने अपना डेब्यू किया था टेस्ट क्रिकेट में फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम तो उनको रिकी पोंटिंग ने काफी कांग्रेचुलेट भी किया था। तो आप शायद ऋषभ पंत के साथ थोड़ा अलग डायरेक्शन में देखना चाहती हो दिल्ली कैपिटल्स। बैक टू बैक उनके सीजन भी बहुत अच्छे नहीं गए हैं, ये सीजन तो उनका बहुत ही ज्यादा खराब गया था, उससे पिछले सीजन भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो सीजन भी उतने अच्छे नहीं जा रहे हैं। टीम की कुछ टैक्टिकल ब्लंडर्स भी हमें देखने को मिले उसके बाद भी, हमने दिल्ली कैपिटल्स की वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। बट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पर्सपेक्टिव से अगर सोचे तो एवी डिविलियर्स वहां पर आ चुके हैं, वहां पर ऑलरेडी कप्तान फाफ डुप्लेसी हैं, विराट कोहली वहां पर है और T20 फॉर्मेट के आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट कोचेस एंडी फ्लावर को उन्होंने साइन कर लिया है। तो आई थिंक अगर वो रिकी पोंटिंग की तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा यहां पर स्टार पावर हो जाएगी और बहुत ज्यादा टसल होने की संभावना यहां पर बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से एंडी फ्लावर को यहां पर जो कोचिंग सेटअप है उसका पूरा कंट्रोल देना चाहिए, एबी डिविलियर्स को थोड़ा सा मेंटोरशिप, जो युवा खिलाड़ी आपके आते हैं उस रोल में रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन जो एनालिटिकल का रोल है, जो डिसीजन मेकिंग है सपोर्टिंग स्टाफ से, वो कप्तान और कोच की ही होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की यहां पर बहुत ज्यादा आरसीबी को जरूरत है, बिकॉज आरसीबी में ऑलरेडी उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, खास करके जब से फाफ डुप्लेसी आए हैं, विराट कोहली आए हैं, तो सीनियर लीडरशिप भी टीम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसके साथ साथ आपको एंडी फ्लावर के रूप में एक बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा ऑलरेडी मिल गया है। तो वहां पर और ज्यादा पावर टसल कराकर मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखाई देता है। और अगर रिकी पोंटिंग डीसी से अलग होते भी हैं तो और भी कई टीमें हैं जो कि उनका फायदा उठा सकती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये करना सही होगा, बट यू नेवर नो, इट माइट जस्ट हैपन बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ 2024। वही हाल के दिनों में जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है आईपीएल 2024 के ऑक्शन और ट्रेड विंडो से पहले, वो थे कि सनराइजर्स हैदराबाद ने डैनियल विटोरी को अपना नया हेड कोच अपॉइंट किया है और एसआरएच के बहुत सारे फैंस मेरा रिएक्शन इस पर चाह रहे थे, बट वर्ल्ड कप, एशिया कप और पॉडकास्ट में हम इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि उस पर अपना रिएक्शन नहीं दे पाए। तो डैनियल विटोरी को अपना हेड कोच बनाने के पीछे क्या यहां पर लॉजिक लगाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, लेकिन लास्ट ईयर भी जब उन्होंने ब्रायन लारा को अपना नया हेड कोच बनाया था तो मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ था, बिकॉज लारा ने उससे पहले कभी आईपीएल में कोचिंग नहीं की थी और ये लगातार तीसरा ऐसा साल होगा जब सनराइजर्स हैदराबाद नए कोच के साथ उतरेगी। आप 2021 में थे, आप ट्रेवर बेलिस के साथ, उसके बाद आप टॉम मूडी के साथ थे, उसके बाद ब्रायन लारा, इनफैक्ट ये चौथा लगातार कोच का उनका परिवर्तन होने वाला है। तो क्या इसके पीछे लॉजिक यहां पर लगाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, देखिए परफॉर्मेंस जब आपकी अच्छी नहीं होती है, आई गेट इट, आपको चीजें बदलने
कि बहुत अंदर से वो हो जाता है, लेकिन यार कभी कभी आपको थोड़ा सा संयम लगाना पड़ता है। अब आपने 2021 से जो रायता फैलाया है, पहले आपने डेविड वॉर्नर का रायता फैलाया, वहां पर क्या हुआ मुझे समझ नहीं आता। चलो ठीक है, केन विलियमसन के रूप में एक बहुत ही एबल लीडरशिप थी आपके पास, आपने उनके साथ मेगा ऑक्शन खेला, वहां पर आपके टॉम मूडी भी थे, वहां पर साइमन कैटेज भी थे, वहां पर फिर ये बात आई कि आपने पूरा प्लान ही बदल करके रख दिया और साइमन कैटेज आपसे अलग हो गए, और ऑक्शन और टूर्नामेंट के बीच में ही ये सारी डेवलपमेंट हुई थी जब साइमन कैटेज अलग हो गए थे सनराइजर्स हैदराबाद से, अगर आपको याद हो। फिर केन विलियमसन को आपने राशिद खान से पहले रिटेन करके रखा, 14 करोड़ उनको दिए, एक खराब सीजन हुआ आपने उनकी छुट्टी कर दी, तो मेगा ऑक्शन में ही आप खड़बड़ा गए। उसके बाद SA20 में जब एडन मार्करम की कप्तानी में ईस्टर्न केप ने जीत दर्ज की तो आपने उनको और रिवॉर्ड किया, उनको IPL की कप्तानी दी, और पिछले साल क्या उनके पास पूरी पावर थी, क्या मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, क्या ओनरशिप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, ये सारी चीजें भी लग रही थी। बिकॉज उमरान मलिक पर जब उनसे सवाल पूछा गया, ही हैड नो क्लू अबाउट हिम। उसके बाद और भी चीजें रही, बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव, टॉप ऑर्डर के ढेर सारे खिलाड़ी, तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास यूनिट अच्छी थी, इंडियन कोर अच्छा था, लेकिन उन्होंने नंबर 10 पर फिनिश किया। क्या एडन मार्करम सही खिलाड़ी थे आपको लीड करने के लिए, इसके बारे में भी सवाल हुआ, और उनको भी बदलने की यहां पर कुछ खुशबू ऐसी आ रही है, हालांकि लेट्स नॉट गेट इनटू इट। तो डैनियल विटोरी पहले RCB के साथ थे, उनके अंडर फाइनल खेला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, अलग अलग जगह पर उनको कोचिंग करने का एक्सपीरियंस भी है। नाउ आई विल सजेस्ट, अगर आप डैनियल को लेकर के आए हो, ये सीजन उनके लिए आसान नहीं होने वाला है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा चेंज कर नहीं सकते, कर भी सकते हो वैसे आप सनराइजर्स हैदराबाद हो, बट आप अगर खिलाड़ियों को रिलीज भी कर दोगे तो आपको उसके रिटर्न में कोई बहुत बड़े खिलाड़ी इस बार नहीं मिलने वाले हैं, तो वहां पर थोड़ा संयम आपको लगाना होगा। फिर उसके बाद अगर नया ऑप्शन होता है या फिर नई ड्राफ्टिंग सिस्टम आता है तो वहां पर भी आपको इन्हीं के साथ जाना चाहिए, इन माई हम्बल ओपिनियन। बट फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद ने डैनियल विटोरी को अपना नया हेड कोच बनाया है, मेरे हिसाब से पावर यहां पर कप्तान के पास ज्यादा रहनी चाहिए, ओनरशिप अगर कुछ दखल देती है वो थोड़ा कम करना चाहिए, खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए, बिकॉज SRH हैव द स्क्वाड टू टर्न द टेबल अराउंड इन 2024। वही तीसरा बहुत ही बड़ा अपडेट, या फिर इसको भी रूमर की कैटेगरी में आप डाल दो, निकल करके आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से, जहां पर बेन स्टोक्स एंड काइल जेमिसन आर लाइकली टू गेट रिलीज फ्रॉम CSK बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ 2024। और बेन स्टोक्स के रिलीज को लेकर के यहां पर खबर कुछ मेरे ख्याल से 4-5 दिन से सर्कुलेट हो रही है, बिकॉज 16 करोड़ में उनको खरीदा था चेन्नई सुपर किंग्स ने, उनको बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, पहले वो खेले फिर इंजर्ड हो गए, फिर थाला धोनी ने कहा कि हमारी टीम बन गई है, आप 16 करोड़ लेकर के घर जाओ और बेंच पर आराम करो, तो वो काफी लंबे समय तक बेंच पर आराम करते रहे, फिर वो घर चले गए, और अब शायद अपना बजट फ्री कराने के लिए CSK उनको रिलीज कर सकती है, बिकॉज अंबती राइडू का बजट ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स के पास आ गया है, क्योंकि उन्होंने IPL से रिटायरमेंट ले ली है, और अगर आप उसमें 16 करोड़ और ऐड कर दो तो 20-22 करोड़ रुपए आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे, और 5 करोड़ जो कि इस साल बढ़ोतरी होने वाली है इन दी ओवरऑल पर्स, वो भी आपके पास आ जाएगा। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं, सभी टीम के पर्स का तकरीबन कितना पर्स होगा, कौन से खिलाड़ी रिलीज हो सकते हैं, कितने बढ़ोतरी हो गई, कौन सी टीम के पास सबसे ज्यादा पर्स होगा, वो वीडियो आप जाकर के जरूर देखना। बट अगर यहां पर बेन स्टोक्स को रिलीज किया जाता है अलोंग विद काइल जेमिसन, तो क्योंकि सिसांडा मंगाला को भी यहां पर रिलीज करने की बात हो रही है, बट ही वॉज द बैकअप फॉर काइल जेमिसन, तो दोनों ही तकरीबन यहां पर रिलीज हो जाएंगे। क्या मंगाला को रोक करके जेमिसन को हटाएगी CSK, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पाथिराना ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा विदेशी गेंदबाज की जरूरत भी यहां पर नहीं है, तो काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन हां, बेन स्टोक्स टैक्टिकली उनकी टीम में कभी फिट नहीं बैठते थे, बिकॉज बेन स्टोक्स को अगर आपका पूरा इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आपको उनको ओपन करवाना पड़ेगा, ओपन आप करवा नहीं सकते, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे का एक शानदार जोड़ी आपके पास मौजूद है। मिडिल ओवर्स में ऑन चेपॉक अगेंस्ट स्पिन बेन स्टोक्स विल स्ट्रगल मोर ऑफन देन नॉट, तो बेन स्टोक्स को यहां पर रिलीज कर देना ज्यादा बेटर डिसीजन होगा, CSK का बजट फ्री होगा, और उसके साथ साथ आप जब बजट लेकर के मिनी ऑक्शन जाओगे तो जो एक आध अच्छा ऑप्शन मिलेगा उसको आप अपने पाले में कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड वांट्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स अगर बेन स्टोक्स और काइल जेमिसन को रिलीज करती है तो इससे ऑक्शन के डायनामिक्स पूरी तरीके से बदल जाएंगे, क्या ऐसा होगा या नहीं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो IPL 2024 से पहले कुछ रूमर्स और अपडेट
जो कि इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लोट अराउंड कर रहे थे मैंने आपको बताया। और अब आपको क्या करना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि SRH ने जो ये अपने कोचिंग सेटअप में लगातार चौथी बार बदलाव किया है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हो, डू यू एग्री विद दिस, और क्या वो कप्तान भी बदल सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कह रहे कि पोंटिंग को हायर कर लेना चाहिए। बेन स्टोक्स का क्या होगा, क्या वो CSK में रुकेंगे नहीं रुकेंगे, काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस समय तो, जहां हम वर्ल्ड कप और एशिया कप की लगातार कवरेज कर रहे हैं। YPL 2024 पर भी हमारी नजर बनी हुई है, सो यू हैव टू स्टे ट्यून। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ चैनल, बिकॉज इसी तरीके की अपडेट्स, रिव्यूज, प्रीव्यूज, एनालिसिस और पॉडकास्ट भी आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। लेटेस्ट हमने तनय तिवारी के साथ पॉडकास्ट किया है, जिनको आपने IPL के दौरान स्टार स्पोर्ट्स पे देखा होगा, और क्रिक बज अगर आप फॉलो करते हो, आई एम श्योर आप करते हो, तो आपने उनको वहां पर भी देखा होगा। जेम ऑफ अ पर्सन, जेम ऑफ अ एपिसोड, डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।